अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे डू नॉट कमांड के ऊपर कि डू नॉट कमांड क्या होती है। डू नॉट कमांड पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डू नॉट कमांड, डू नॉट कमांड को कैसे इंसर्ट करते हैं, हाउ टू गिव द डायमीटर ऑफ डू नॉट शेप में आप डायमीटर कैसे देते हैं, पर्पज ऑफ डू नॉट कमांड का मकसद क्या है, पर्पज ऑफ फिल कमांड इन डू नॉट शेप और फिल कमांड का क्या फंक्शन है डू नॉट शेप में। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और उसमें मैं डू नॉट कमांड अप्लाई करूंगा। ऑटोकैड को ओपन करता हूं और डू नॉट कमांड जो होती है, आपको यहां पे आप ड्रॉ में क्लिक करें तो आपको यहां पे ये जो शेप है ये डू नॉट शेप होती है, देख सकते हैं। इसके अलावा आप पे जो डू नॉट शेप है वो ड्रॉ में जाएं और ड्रॉ में आप देखें तो आपको डू नॉट कमांड यहाँ पे अप्लाई हुई है और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है डीओ, डीओ करेंगे तो डू नॉट अप्लाई हो जाएगा, क्लिक करें और यहाँ पे आपको कह रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डू नॉट का अंदर का डायमीटर वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0.1 इंच यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एंटर कर देता हूँ। और स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड भी 1.01 दिया हुआ है, एंटर करता हूँ। सेंटर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सेंटर है इसका डू नॉट का, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये डू नॉट कमांड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं ये डू नॉट कमांड अप्लाई हो गया। अब डायमीटर्स का मैं चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ डायमीटर्स का चेंज हो जाए, ग्रिड्स ऑफ करता हूँ, डायमीटर चेंज है, यहाँ से आप ग्रिड जो है ये ऑफ कर सकते हैं, ये जो ग्रिड्स आपको सामने नजर आ रहे हैं इनको यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफ कर सकते हैं। अब इसको मैं देता हूँ स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर में, इसको देता हूँ 2 फिट, स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर में इसको बाहर का डायमीटर देता हूँ 6 फिट। देखें आप क्लिक करें, देखें तो ये डोनट शेप हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये डोनट शेप होती है। ओके, अब इस डोनट शेप में आप देखें जरा, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस पे हैच कमांड अप्लाई की हुई है, देखें तो इस पे हैच कमांड अप्लाई की हुई है। मैं फॉर एग्जांपल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, ओके अब देखिए मैं लाइन तो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया लेकिन इसको नजर नहीं आ रही, अभी मैं जब सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करते हुए नज़र आ रही है लेकिन अभी देखें नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, देखिए जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे ये एरिया और इस एरिया में नज़र आ रही है बैक साइड, इसके बैक पीछे चली गई ये लाइन, देखिए तो ये डू नॉट क्या होता है, इसमें हैच अप्लाई क्या हुआ है। तो आप हैच ऑफ करना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए आप लिखेंगे फिल, फिल पे क्लिक करें और फिल ऑन क्या हुआ है तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ पे क्लिक करें ऑफ। अब जब मैं डू नॉट अप्लाई करूंगा तो वहाँ डू नॉट पे क्लिक करता हूँ, 2 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ और मैं क्लिक करूँगा तो देखें तो इसमें ये कलर ऑफ हो गया, देख सकते हैं ऑफ हो गया। तो ये थी डू नॉट कमांड का फंक्शन है। अब इसको जब भी मैं डू नॉट अप्लाई करूँगा, डू नॉट कमांड जब भी मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये इसी तरह स्टाइल रहेगा इसका, देख सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए या इसको ये वाला स्टाइल दोबारा नॉर्मल लाने के लिए, फिल करने के लिए, अब दोबारा फिल करें, फिल कमांड अप्लाई करें और इसको ऑन कर दें। अब जब मैं डू नॉट अप्लाई करूँगा, इंटर एंटर, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे बिल्कुल वैसे की वैसे डू नॉट अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। तो ये होता है डू नॉट कमांड का फंक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी कि डू नॉट कमांड क्या होते हैं, इस पे काम कैसे होते हैं। यूसेस को अपने ओरिजिन पॉइंट में ले जाने के लिए यू सी एंटर करें आप और इसको अनचेक कर लें, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करें तो ये अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा यहाँ पे।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ तक और इससे पहले के जितने भी लेसन हमने जिन काम किया जिन पे, तो सारे के सारे उन लेसन पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। तो हमने लाइन, पोली लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पोलीगान, एलिप्स कमांड भी कर चुके हैं। हमने सिर्फ हैज कमांड नहीं किया अभी तक, स्पेल लाइन कमांड भी कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन भी कर चुके हैं, रे कमांड हमने नहीं की, मल्टीपल पॉइंट नहीं की, डिवाइड, मैयर, ये हम इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे सारी कमांड्स, हेलिक्स, वाइप आउट हम शायद कर चुके हैं, और रिवियन भी कर चुके हैं और रीजन भी कर चुके हैं, बल्कि रीजन हमने नहीं की, वाइप आउट और ये दोनों की हमने। तो इंशाल्लाह ये सारी कमांड पे काम करेंगे, उसके बाद हम फिर मॉडिफाई मेन्यू में आ जाएंगे, मॉडिफाई के बाद लेयर पे आएंगे, एनिमेशंस पे आएंगे, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप, यूटिलिटीज़ और क्लिपबोर्ड, फिर इंशाल्लाह आपका तकरीबन ऑटोकैड में आप हर काम कर लेंगे। फिर प्रोजेक्ट में आएंगे, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इस पर इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, स्कीमेटिक पे भी हम सारा का सारा इलेक्ट्रिकल पे काम करेंगे, पैनल भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है सारा, फिर रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम सारे की, इंपोर्ट करेंगे डेटा, और फिर कन्वर्जन टूल यूज़ होगा, और फिर हमारे पास तकरीबन ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।